नमस्कार, आप देख रहे हैं सारा न्यूज। मैं रिजवी, मैं भी मौजूद हूँ पटना साहिब स्टेशन पे, जो कि यहाँ पे आज एक बैठक की गई रेल एसपी के द्वारा और तमाम प्रशासनिक समाज सेवी को लेकर द्वारा यहाँ पर एक बैठक की गई। इस बैठक का जो मेन उद्देश्य था 397वां जो गुरु पर्व, जो एक महान पर्व के रूप में मनाया जाता है और ये खास करके बिहार के लोगों के लिए और पटना सिटी के लोगों के लिए काफ़ी उत्साही रहता है, तमाम समाजसेवी के लिए, प्रशासन के लिए एक चुनौती भी रहती है, लेकिन इसे बहुत ही सुंदर तरीके से लोग मनाते हैं, बहुत ही भव्य आयोजन होता है, तमाम प्रशासन से लेकर तमाम समाज से भी लग जाते हैं। उसी विषय में आज पटना साहिब में रेल एसपी के द्वारा बैठक की गई है और यहाँ पटना साहिब स्टेशन से जितने भी यात्री रेलवे से आते हैं गुरु पर्व मनाने के लिए, जो भी श्रद्धालु आते हैं उनमें कोई कमी ना हो, उनको कोई तकलीफ ना हो, उनके कोई भी परेशानी ना हो, तमाम तरह की व्यवस्था का जायज़ा यहाँ पर लिया जाएगा, कोई भी कमियाँ उसको दूर की जाएगी और सख्त निर्देश दिया गया है किसी भी तरह का कोई भी कमी ना हो। तमाम प्रशासन लोग यहाँ पर बैठे, तमाम समाज सेवी बैठे, अपनी अपनी कमियाँ जो है वो समाज सेवी ने बताया, प्रशासन ने उसे दूर करने की बातें कही। रेल एसपी के द्वारा यहाँ पर आज बैठक की गई थी, जो गुरु पर्व 15, 16, 17 को जो मनाया जा रहा है धूमधाम से, ये पटना सिटी के लिए ये बहुत बड़ी गर्व की बात है कि 350वां जो पर्व बना था, एक इतिहास बना था, उसी को लेकर इस पर लगातार तभी से कड़ा इंतजाम होता है और प्रशासन इस पर सख्त निर्देश भी देती है कि कोई कमी ना रह जाए। इस तरह के तमाम ताज़ा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इस बार हम लोगों ने प्रकाश पर्व जो 15 से 17 तक मनाया जाएगा और देश के विभिन्न कोने कोने से रेल मार्ग के द्वारा श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है और काफ़ी भीड़ होने की भी संभावना है, उसके मद्देनज़र आज ने हम लोगों ने बैठक किया है पटना सिटी रेलवे स्टेशन पे। स्थानीय प्रशासन, रेल प्रशासन, जिला प्रशासन और जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हैं, सभी के साथ हम लोगों ने बैठक की और विभिन्न मुद्दों पर हम लोगों ने चर्चा किया है और जो सिक्योरिटी का पोर्शन है उसके लिए हम लोग अतिरिक्त बल की प्रतिनियुक्ति कर रहे हैं। फिर रात्रि में जो श्रद्धालु उतरेंगे वो सेफली अपने जगह पर पहुँचें, उसके लिए फिर लौटते समय उसके लिए भी हम लोग अतिरिक्त बल और उसका पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम के द्वारा और जो भी हम लोग का जो भी सीसीटीवी अतिरिक्त लगाना है वो सब पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और निर्देश दे रहे हैं। तखत साहब लोग का कुछ सदस्यों का शिकायत है कि ऑटो वाला का मनमाना रेट के वजह से सिख संगतों में काफी दोष हो रहा है। नहीं, उसके लिए हम लोगों ने जीआरपी के द्वारा एक व्यवस्था प्रारंभ की गई है कि जितने भी ऑटो के हैं उसका एक हम लोग नंबर देंगे और वो नंबर सिस्टम से होगा कि उस पर किसी भी प्रकार की शिकायत आने पे हम लोग उस पर समुचित कार्रवाई करेंगे। और जहाँ तक है कि प्रीपेड ऑटो सिस्टम तो पूर्णतः रेलवे प्रशासन की के अंतर्गत आता है, तो हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि वो प्रीपेड सिस्टम यहाँ पे भी इस रेलवे स्टेशन पे भी जल्द लागू हो जाए। नशीला सेवन पर भी रोक लगेगी, ये हम लोग का लॉन्ग टर्म चल रहा है जिस पर कि जागरूकता अभियान भी चल रहा है खास करके नशाखुरानी के विरुद्ध में और हम लोग कड़ी कार्रवाई भी कर रहे हैं, तो वो हम लोग उसमें लगातार जागरूकता अभियान से उस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। खास करके साई अवेक चलाया जा रहा है साइबर क्राइम के विरुद्ध और यह एक स्थापित तथ्य है कि जो मोबाइल चोरी जाते हैं या जो खो जाते हैं उससे साइबर क्राइम होने की संभावना बनी रहती है, तो हम लोग लगातार इसमें लोगों के को जागरूक कर रहे हैं कि अपने मोबाइल का खास ध्यान रखें और इस प्रकार के जितने भी कॉमन अपराध हैं उससे बचें। उसी के कार्यक्रम को 555वां जयंती के अवसर पर हम एकत्रित हुए हैं, तमाम डीएम ऑफिस से आए कुछ पदाधिकारी, हमारे जीआरपी के एसपी महोदय और आरपीएफ के कुछ पदाधिकारी, गुरुद्वारे के मैनेजर साहब, गुरविंदर सिंह जी बाबा जो हमारे लिए आशीर्वाद रूपी है, तमाम लोगों को पहली नजर से, अपने नजरों से भी और पहली नजर से भी देखते रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है और किस ढंग का कौन व्यक्ति है।